दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 1 अप्रैल 2020 बुधवार। एक बार फिर से हम आपके लिए 8 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। इन फॉर्म को भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। पुलिस और रिक्शा विभाग के साथ साथ में डाक विभाग, बैंकिंग सेक्टर, बिजली विभाग और हाई कोर्ट के अंतर्गत बड़ी भर्तियां निकली है। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि किन पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 8 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है असम पुलिस डिपार्टमेंट में। पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की। 200 से ज्यादा खाली पद है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। सैलरी 14,000 से 49,000 पर मंथ के लिए है। इस भर्ती के लिए ग्रेजुएट डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 38 वर्ष है। कोई भी शुल्क आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। असम जॉब लोकेशन है assampolice.gov.in या slprbassam.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 4 अप्रैल 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 मई 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में। भारतीय सेना के अंतर्गत सोल्जर्स की भर्ती निकली है। सैनिकों के लिए 5,000 से ज़्यादा खाली पद है। सैलरी की बात की जाए तो आप नोटिस से चेक कर सकते हो। इस भर्ती के लिए 8वीं 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 17.5 से 23 वर्ष है। कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और रिटर्न टेस्ट के आधार पर। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। joinindianarmy.nic.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लास्ट डेट की बात की जाए तो अप्रैल 2020 के अंतिम सप्ताह में इसकी लास्ट डेट होगी। बात अगर रिक्रूटमेंट रैली डेट की जाए तो मई 2020 में आपको रिक्रूटमेंट रैली अटेंड करनी होगी। जिलेवार सभी भर्तियों के नोटिफिकेशन इसके ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दिए गए हैं। आप वहीं से कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें कंसल्टेंट, इकोनॉमिस्ट, डाटा एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट, IAS ऑडिटर, स्पेशलिस्ट इन फॉरेंसिक ऑडिट, अकाउंट्स स्पेशलिस्ट, सिस्टम प्रोजेक्ट और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की भर्ती है। बम्पर वैकेंसीज है, इसीलिए आप पोस्ट वाइज इसके डिटेल नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। डिग्री धारक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा है। आवेदन शुल्क की जानकारी आप कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। RBI.org.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 9 अप्रैल 2020 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 29 अप्रैल 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है राजस्थान हाई कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हाई कोर्ट के अंतर्गत जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट की बड़ी भर्ती निकली है। 1700 से ज़्यादा खाली पद है जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। 20,800 से 65,900 सैलरी लेवल 5 के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी। बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। जनरल या OBC या EWS के लिए ₹500 आवेदन शुल्क है। SC ST PWD जो राजस्थान स्टेट के हैं उनके लिए 350 है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। SCRAT.NIC.IN की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप इस भर्ती के लिए 27 अप्रैल 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 28 अप्रैल 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में। बिजली विभाग के अंतर्गत फील्ड असिस्टेंट की भर्ती निकली है। 2900 खाली पद है। 18,800 से 59,900 सैलरी है। 10+ ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ₹1,500 शुल्क आपको जमा करना होगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान से आप शुल्क जमा करा सकते हो।
सिलेक्शन होगा फिजिकल टेस्ट और मेन रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। तमिलनाडु जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। tenzco.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 23 अप्रैल 2020 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 28 अप्रैल 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है यूपी पोस्टल डिपार्टमेंट में। जी हाँ दोस्तों, यूपी डाक विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती है। 3,900 से ज़्यादा खाली पद है। 10,000 रुपये सैलरी है। 10वीं पास ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। UR, OBC, EWS मेल के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क है। फीमेल SC ST को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप हेड पोस्ट ऑफिस से करा सकते हो। सिलेक्शन बिना एग्जाम बिना इंटरव्यू से किया जाएगा, सीधा मेरिट लिस्ट के आधार पे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। उत्तर प्रदेश यूपी जॉब लोकेशन है ap.in/gds-online। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 22 अप्रैल 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। HSSC के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है नायब तहसीलदार, इलेक्शन कानून गो, वर्क सुपरवाइजर, ऑटो डीजल मैकेनिक, कारपेंटर, प्लम्बर, रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, सर्वेयर, पेंटर, मैसोन, मैकेनिक, लिफ्ट ऑपरेटर, चार्जमैन, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, टूल ऑपरेटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, स्टोर कीपर, फीटर, हेवी मैकेनिक, सुपरवाइजर, ब्लैक स्मिथ, वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर, चार्जमैन, हेवी प्लांट इंस्पेक्टर, सेक्शन ऑफिसर, सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट, स्टोर कीपर, स्टोर क्लर्क, फार्मेसिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 1137 खाली पद है। सैलरी आप पोस्ट वाइज नोटिफिकेशन से चेक कर सकते हो। 10th 12th ITI डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 17 से 42 वर्ष आयु सीमा है। आवेदन शुल्क की जानकारी आप कैटेगरी वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के आधार पे। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। HSSC.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 17 अप्रैल 2020 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट 22 अप्रैल 2020 है। उसके बाद दोस्तों जो 8th लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में। पोस्ट है इसमें स्टेशन मैनेजर, चीफ ट्रैफिक कंट्रोलर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर और सुपरवाइजर की 215 वैकेंसीज है। सैलरी स्टेशन मैनेजर चीफ ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 41,800 से 132,300 है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए 47,600 से 151,100 है। सेक्शन इंजीनियर और सुपरवाइजर के लिए 41,800 से 132,300 है। सुपरवाइजर पोस्ट के लिए ग्रेजुएट डिग्री धारक अप्लाई कर सकते हैं। अदर पोस्ट के लिए डिग्री और डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 40, 41, 43 और 46 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पे। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। मुंबई महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। mmrda.maharashtra.gov.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है। लास्ट डेट की बात की जाए तो 17 अप्रैल 2020 है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 1 अप्रैल 2020 की टॉप 8 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।